सरप्राइज दोबारा सरप्राइज। फाइनली गाइस दीदी तिलक करती हैं भाई के। गिफ्ट देखो गिफ्ट। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस न्यू ब्लॉग में। गाइस आज है रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस मैं जा रहा हूं अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश, और गाइस वहां मैं जाके अपनी सिस्टर को सरप्राइज देने वाला हूं। पहले सरप्राइज था लेकिन बाद में उनको बता दिया कि ताकि वो थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि मैं आ रहा हूं, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी, उनका गिफ्ट था कि मैं उनके घर आऊं रक्षाबंधन पे राखी बनवाने के लिए। बर्थडे कब था? 15 अगस्त को। दीदी ने मुझसे गिफ्ट मांगा कि मुझे गिफ्ट में ये चाहिए कि आप दिल्ली से रक्षाबंधन पे मेरे घर आओ, मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए बर्थडे पे। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं रेडी हूँ उसके लिए। गाइस तो मैं दीदी के घर जा रहा हूँ स्पेशली बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, मैं खुद जा रहा हूँ राखी बनवाने के लिए, क्योंकि दीदी हमेशा दिल्ली आती हैं सम रीजंस। दीदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही इस टाइम, तो दीदी नहीं आ सकती, तो गाइस इसलिए मैं जा रहा हूँ और अपने गाँव चलेंगे, वहाँ जाके दिखाएंगे इन्जॉयमेंट, वहाँ की मस्ती, वहाँ का फन, और दीदी से राखी बनवाएंगे। और गाइस हाँ, वहाँ से मैं कहीं और भी जाना है आपको, वो भी दिखाएंगे, लेकिन वो सस्पेंस है। आज बर्थडे किसका है? आज बर्थडे शर्णिमा का। हैप्पी बर्थडे। तो गाइस सब लोग विश करते ना आज मेरी बेटी का बर्थडे। 22 अगस्त को मेरा बर्थडे है, बहुत दिन एडवांस में। एडवांस में नहीं, देखो प्रिया अभी हम लोग जा रहे हैं होम टाउन, ठीक है? अभी ये कंफर्म नहीं है कि ब्लॉग कब अपलोड होगा, उसके मेरे बर्थडे के बाद हो सकता है कि तुरंत। गाइस डिपेंड करता है कि मैं, मेरे पास टाइम कितना है, टाइम प्लस वहाँ पर वाईफाई भी होना चाहिए, तभी तो देख पाओगे वो ब्लॉग हमारा। तो गाइस आपको ब्लॉग जब भी मिले मेरा आपको ढेर सारा प्यार, और अपना प्यार बनाए रखें। 22 तारीख को मेरा बर्थडे है, फिर मैं जाना, और स्वर्णिमा का आज बर्थडे है, आज रक्षाबंधन है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। चलते हैं अपने होम टाउन की ओर। ये गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली, गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, और ये देखिए पूरा रोड का नजारा। Head southeast. गाइस आए हैं शिवा ढाबा, और ये मेरी फेवरेट जगह है, जब भी मैं होम टाउन जाता हूँ या आता हूँ। ये पराठे लिए, तंदूरी पराठा और चाय आ रही है हमारी, और दशरथ से हेलो, दशरथ को छोड़ना हमको आगरा। और प्रिया भाई इतना थक गया हूँ ना, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम नींद भरी हुई है, और रात को हम फ्री हुए थे लगभग 3:30 बजे, और लेकिन दीदी को प्रॉमिस किया है तो जाना ज़रूरी है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए आया हूँ, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आएगी, फिर चलेंगे नॉन स्टॉप, और गाड़ी चलेगी, मेरी गाड़ी की रुकेगी नहीं। सोनिया से हेलो कर लो। गाइस आ गए गर्मा गर्म। गाइस देखो कितनी तेज की बारिश हो रही है, मतलब मस्त वाली बारिश हो रही है, और दिल्ली में इतनी मस्त धूप निकली थी, और यहाँ बहुत तेज वाली बारिश, बहुत तेज हो रही है। मैं आ रहा हूँ दशरथ को, गाइस मैंने यहाँ छोड़ दिया है आगरा के लिए, और अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे। ओके सर, बाय। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपनी वो क्या, थोड़ा तेज बोलो। मार भाई सो रहे हैं, और हम लोग तो ड्राइविंग कर रहे हैं। हम लोगों ने भी क्या क्या किया, आई गिरी नंदिनी और श्री रामचंद्र स्नैक्स, राम जी की स्तुति सुनी हमने ना। हाँ। और आज आपका बर्थडे है। हाँ। ओह माय गॉड, और मैं 7 की हो गई। ओह स्वर्णिमा 7 की हो गई है, तो भाई सब लोग विश कर दो स्वर्णिमा को। स्वर्णिमा को गिफ्ट में क्या चाहिए? अच्छा चलो बताओ, आप हमारे जो फेसबुक और यूट्यूब परिवार है उनको क्या पार्टी में देना चाह रहे हो? केक। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट या वनीला। नाइस। अच्छा सुनो ना, आपको आईगी नंदनी आता है? हाँ। सबको सुना दो एक बार। I'm not afraid of the dark.
परफ्यूम लगाते होंगे। इत्र की नगरी कहा जाने वाला हमारा कन्नौज, यहाँ का जो इत्र है, यहाँ का जो परफ्यूम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है गाइस, बहुत फेमस है। और पूरे वर्ल्ड की जो, इधर देखो, पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई होती है वो सारी गाइस यहीं से हो रही है। सच में यार, अपने गांव को देख के, मतलब मेरा जो घर है, जन्मभूमि मेरी, और मुझे यहाँ से बहुत प्यार है। किसी को इंटीमेशन नहीं दिया कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है बहुत लोग मुझसे मिलने वाले लोग हैं जो वेट करते हैं मेरा कि मैं कब आऊँगा कब आऊँगा। ये है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरा प्लान बनता है ना तो थोड़ा सा जल्दी भी बनता है, जल्दबाजी में बनता है, रैंडमली बनता है। मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ आज। ये बहुत बड़ी बात है कि कल कैंप लगा और कल इवेंट था सर जी का और आज आए हैं। मैं सोया हूँ 4 बजे, 3:30 बजे तो मैं स्टूडियो से आया हूँ घर पे, और 4:30 में सोया हूँ। मन कर रहा सो या ना सो, लेकिन गाइस ड्राइव तो मुझे ही करनी थी क्योंकि मैं अपना गाड़ी खुद ड्राइवर हूँ, ड्राइवर लेके नहीं आया हूँ। नहीं मुझे आप सिखा देना ना, मैं ड्राइविंग करूंगी, आप बैठना पीछे, आप बच्चे संभालो, भी बच्चों को बड़ा करो, फिर आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। देखो गाइस, ये त्रिवा का चौराहा आ गया है। गाइस ये आ गया है गांधी चौराहा, और गांधी जी की बहुत पुरानी प्रतिमा है। तुम क्या बोल रही थी, गांव है? देखो यहाँ मॉल है। अच्छा, गांव में मॉल है? अरे भैया, गांव नहीं है ये, तुमने हमारे मतलब होम टाउन को गांव बना दिया। गांव एकदम ठेठ होता है, गांव दिखाएंगे आपको गांव क्या होता है। आगे लो, arrive at your destination. आगे आगे बेटा, आगे बोलो प्रिया, बेल्ट खोलो, बेल्ट बेल्ट। हाँ गाइस, सब बैठ चुके हैं। ये देखो मेरा प्यारा लाडला, डेली मुझे फोन करके विश करता है, उसका बर्थडे भी आज, आज दोनों बर्थडे गर्ल एंड बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे अमन। थैंक यू। और ये देखो भाई, छोटा, और लल्ला कैसे हो? छोटा वाला भाई है, आर्यन शर्मिला बहुत है भाई, लेकिन पढ़ने में होशियार है। गाइस आ चुके हैं मर्दा, और पहुंचने वाले कुछ देर में बेला, और बारिश यहाँ भी बहुत तेज हो रही है। अमन दिल्ली से हम आए यहाँ तक, कम से कम 5-6 जगह मुझे बारिश मिली, 7वीं जगह है। अच्छा जी। हाँ जी, मजा आ गया भाई बारिश में। आपका वो वेलकम किया ना ये तिरवा ने, बारिश जब भी खुश होती है, जब खुशी होती है, अमन ये बता तुम इसीलिए हुआ है। आज तुम वीडियो में आ रहे हो, क्या कहोगे? शर्मा गया भाई, अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, त्रिवा में कितने लोगों को मैंने इंस्पायर किया, मतलब कितने लोगों को एक मतलब एक रोजगार मिला है? बहुत लोगों को। जब आप पिछली बार आए थे तो उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा लोग आपको जान रहे हैं, मिलने के लिए बेताब हैं कि भैया आए कब आप मुझे उनसे मिलवाएं। और मैं हमेशा रेंडमली आता हूँ बिना किसी को इंटीमेट किए। उसी के लाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर शंकर सदा ध्यान रखूं मैं, सुख में दुख में सदा ध्यान रखूं मैं, तेरी आंचल से आगे न जाऊं मैं। यहाँ हमारी दीदी रहती हैं, और ये क्या लिखा है, इटावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये भीमराव अम्बेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, और इसके थोड़ा सा मतलब पास में दीदी का घर है। और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं, शिवानी कुमारी का घर भी यहीं पर है, मतलब मात्र 10 मिनट का डिस्टेंस में घर है शिवानी कुमारी का, क्योंकि मेरी दीदी का घर, उनका घर बहुत पास पास में है। दीदी का घर जो है वो ऑन रोड पे है, और शिवानी कुमारी का घर पास में। गाइस ये दीदी का घर आ गया है। ये हमारे जीजा, दिखाओ जीजा हमारे आ रहे हैं। जीजा यहाँ लगाऊं?
देखो जीजा हमारे गाड़ी वाड़ी हटवा रहे हैं, ठीक है जीजा का बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़े यहाँ के व्यापारी है जीजा हमारे। और ये हमारी दीदी का बहुत बड़ा गेस्ट है, दीदी का गेस्ट हाउस कहाँ पे कहा गाइस आ जाओ दीदी घर। और मेरा आउटफिट एकदम चेंज हो गया, मैं चेंज कर लिया मैंने और चेंज करवाया है, दोनों का चेंज करवाया सेम सेम है क्योंकि मेरी कलेक्शन ये थी अमन की ये थी, दोनों भाइयों की सोच मैच करती है। और गाइस देखो क्या व्यू है यार, लग रहा है ऐसे कुल्लू मनाली आ गए हिमाचल, वाह क्या व्यू है। सो प्रिया का लुक वही है और दीदी हेलो सबसे ऊपर छत पे, छत पे एकदम राखी बनवाने लोग आए भाई, एकदम बढ़िया व्यू के लिए छज्जा पे चढ़ के राखी बनवा रहे। आज का राखी का मतलब वही जल्दी बांधो नहीं बारिश आ जाएगी, इससे ऊपर भी था क्या कोई। चलो गाइस देखो इतनी ऊपर हम लोग आए हैं ताकि बनाने के लिए, दीदी के घर का व्यू 8 मंजिला ऊपर है, 8 मंजिल ऊपर एक नंबर। फाइनली गाइस दीदी तिलक करती हैं बाइक के, ये वाला बैकग्राउंड बहुत ना प्यारा आ रहा है देखो, सुन रहा बहुत कम दीदी पूरा खिलाइएगा पूरा 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 भाई दीदी थोड़ा थोड़ा और ना क्रीम 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 दीदी एक बार और दीदी एक बार और अभी नू में से बांध रहे हैं खादी फोटो वाली आपकी बांध है नहीं बांधनी चाहिए। अच्छा वो बनवाई थी मैंने स्पेशली आपके लिए ये। अब प्रिया के टीका हो रहा है गोल्ड से कम नहीं, खोया तो कम नहीं। हैप्पी रक्षाबंधन। ये देखो हैप्पी रक्षाबंधन गिफ्ट, देखो गिफ्ट मस्त रहो खूब खुश रहो। ये भैया क्या है बुजरिया भैया, ये बुजरिया है कहाँ लगाती कान में, कान में सीधे कान में। अच्छा इसमें नहीं, हाँ सीधे कान में। चलो बांधो भैया बहन गुस्सा। मैं जा रहा हूँ द फेमस शिवानी कुमारी, अरियारी किसान, कानपुर किसान, हमारे उत्तर प्रदेश किसान जो बहुत गरीबी से बहुत ऊपर तक बढ़ी हैं और जिनकी चर्चा आज हर घर में मुझे लगता है। बिग बॉस में रिसेंटली गई थी हमारी बहन शिवानी कुमारी, हम उसके घर जा रहे हैं और आज रक्षाबंधन है गाइस। रक्षाबंधन पे मैं स्पेशली दिल्ली से रक्षाबंधन के वाले दिन उनके घर जा रहा हूँ, चलते हैं शिवानी कुमारी के घर। गाइस रात हो चुकी है क्योंकि मैं दिल्ली से चला था 11 बजे और आते आते मुझे शाम हो गई है। और ये अरियारी का रास्ता है शिवानी के घर का, ये स्कूल आ गया हम लोग बहुत लेट हो गए अपने टाइम से। गाइस आ गए हम फाइनली शिवानी के घर, ये रहा कट और ये रहा घर, लेकिन पता नहीं शिवानी घर पे है या नहीं है, है भाई शायद। शिवानी की सिस्टर और उनकी मम्मी वगैरह घर पे हैं और शिवानी गई हैं बुजरियाँ सिरवाने के लिए। इतने में हमने ढेर सारी बातें की उनकी मम्मी से और उनकी सिस्टर से और उनकी मम्मा ने कॉल करके बुलाया कि जल्दी से आओ भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। शिवानी आ गई, बहन को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी जो मूवी आ रही है सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट जाए, घोड़ी पे चढ़ के आना, घोड़ी पे चढ़ के आना और देखना ना भूलना। बहन कब आ रही है बताओ, अभी तो शूटिंग है ना, एक बटन का हो जाए 5 किलो तो वही तो है मूवी। अच्छा बहुत प्रयास है, खूब तरक्की करें पूरे वर्ल्ड में नाम रखो। मैंने आपको देखा तो फेवरेट मतलब ज्यादा गाउन कैसा लग रहा है
गाउन में लगाओ मैं भाभी का टीका करता है कुछ वो नहीं चावल नहीं अरे सिक्का घुमा दे मैगी ऊपर हाँ वो क्या होता है दीदी वो जो बाद में टीके के बाद वो किया जाता है अरे ठीक है अभी आप करेंगे लोगों ने आपको जानबूझ के निकाला वो गलत किया लेकिन मेरी बहन एक्चुअल में डिनर है मैंने फोटो लगे की थी असली डिनर आपको दिखाओ आप बुआ 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 से गुस्सा हो तो तुम बुआ घर रह जाओ हम जा रहे हैं बुआ घर जाओगे नहीं बुआ गुस्सा क्यों यहाँ बैठना है पकड़ियो इसे गाड़ी चलानी है भैया गाड़ी घुमाएं कैसे यार हम गाड़ी कैसे बहन भाई अपना ख्याल रखना हैप्पी बर्थडे टू यू आज दोनों का जन्मदिन है स्वर्णिमा चाचा भतीजे ये चाचा है भतीजे यार आपने भी केक कटा आपका ही बर्थडे नहीं मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं अच्छा चाचा है जो चाचा है वो भतीजा है जो भतीजा है वो चाचा है स्वर्णिमा आपके लिए ये दो मंजिल केक आया भाई क्या बात है थैंक यू भूपा जी छोटा वाला स्वर्णिमा के लिए बड़ा वाला चाची के लिए है तो भूपा जी कुछ आप बोलना जीजा भाई मेरे भूपा जी बोलना चाहते हो बेतु का जन्मदिन है तो जीजा जी कुछ कहना चाहेंगे आप जीजा बताओ कुछ बोलो नहीं बेटी बेटी बड़ी अच्छे से पढ़ाई करे और बड़ी होकर अच्छा काम इन बच्चे के लिए क्या कहना चाहोगे बताओ वो तो मेरा सलाही है पक्का वाला उसके बाद शादी कराऊंगा शादी किसी को आप शादी करोगे शादी नहीं करोगे और दीदी आप क्या बोलोगी देखो शादी करोगे आप पहले हम नहीं करेंगे अरे रुको यार बंद करो पहले खाओ पहले खाओ ना पहले दे दे
सबसे मस्त बंदा ये था भाई। इन्होंने मेरा बर्थडे मनाते थे भाई बर्थडे। क्या यार बदतमीजी है यार ये। सो गाइस आज छोटे भाई के जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेर शुभकामना है। माता रानी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मेरे लाला। ये इसीलिए रखा है क्या? अरे यासीन